पत्रकार मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे की चर्चाओं पर विराम लग गया है। वजह यह है कि किरोड़ीलाल ने कामकाज शुरू कर दिया है। आपको बता दें, किरोड़ीलाल ने दौसा समेत 7 सीटों पर बीजेपी के चुनाव हारने पर मंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। किरोड़ी के इस्तीफे को लेकर काफी उहापोल की स्थिति बनी हुई थी कि हालांकि किरोड़ीलाल ने माउंट आबू में संकेत दिए थे कि वे इस्तीफा नहीं देंगे। मंत्री मीणा सीएम रतनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुलाई गई किसानों और पशुपालकों और डेयरी संघ के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। किरोड़ीलाल को सीएमओ में चल रही प्री बजट बैठक में भी शामिल होना था, लेकिन वो वहाँ नहीं गए। उनको छोड़कर पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावल, जन संसाधन मंत्री सुरेश रावत, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दल की बैठक में शामिल हुए। किरोड़ीलाल मीणा की गैर मौजूदगी के बाद इस बात को लेकर चर्चा तेज थी कि वो पहले ही सरकार गाड़ी और ऑफिस आना छोड़ चुके हैं और अब बजट सुझाव को लेकर हो रही महत्वपूर्ण बैठक में भी शामिल नहीं हुए। ऐसे में उनके इस्तीफे की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन इसी बीच किरोड़ीलाल मीणा वीसी के जरिए बैठक में शामिल हो गए। चलिए दिखवाते हैं आपको कि क्या कुछ दृश्य वहां का। मैंने देखा है आपने मध्य प्रदेश को अपनी तरफ से कैसे विकसित किया है और कृषि के क्षेत्र में आपने अद्वितीय कार्य वहाँ पर किया है। तो एक भावांतर योजना जो आपने चलाई वो एक किसानों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने की योजना थी और आपके मार्गदर्शन में हम राजस्थान को दलहन के क्षेत्र में आगे ले जाएंगे। और एक जो मांग में समय रखना चाहूँगा आपके सामने, एक मिनट डॉक्टर साहब, जरूर आपकी पूरी बात सुनेंगे। एक ये प्रेजेंटेशन का सोचता हूँ 2-4-5 मिनट का है, ये पूरा हो जाए फिर हर राज्य अपनी अपनी बात रखेगा और आपसे मिलने को मैं भी उत्सुक हूँ। आप देखिए बता के बैठ के बात करेंगे। सीमा है वो 15% निर्धारित कर रखी है, अगर ये सीमा बढ़ाकर 25% कर दी जाए तो हमको बहुत इसका लाभ मिलेगा और उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। और कोई बात आपके मन में हो, किरोड़ीलाल जी भी सुझाव हो और तो बाजरे के मामले में तो मैं वहीं आके अधिकारियों के साथ आपसे मिलूंगा, क्योंकि हमारा प्रदेश बाजरा बहुत उगाता है, उसकी समस्या है। तो अलग से आपसे मिलकर आपके सामने रखें। ये जो आपने भी 15-25 करने की बात कही है, हम अपनी सहमति देते हैं सरकार इसमें। बहुत बहुत 15-25 कर दी है, बहुत बहुत। मध्य प्रदेश अगर ये सीमा बढ़ाकर 25% कर दी जाए तो हमको बहुत इसका लाभ मिलेगा और उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।